so hello students today we will be discussing about the last topic of our mathematical tools which is named as integration so this chapter is uh, this topic is very very important and it will be keep repeating uh, throughout the two years of physics 11th and 12th so whatever concept i am teaching you now they are of crucial importance so all of you please uh, ंडरस्टैंड वेरी नाइसली एंड मेक नोट्स ओके सो लेट बिगिन तो अब देखिए ये इंटीग्रेशन क्या होता है जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो आप क्या बोलेंगे टू एक्स ठीक है तो एक्स स्क्वायर का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है टू एक्स तो इसका मतलब जब आप टू एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा एक्स so, मतलब मैं बस अभी फील दिला रहा हूं क्या होता है अगर आप X का करेंगे तो क्या आएगा टू एक्स तो अगर टू एक्स का आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर समझ में आया तो बेसिकली इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ठीक है जैसे अगर मैं मान लो ऐसा बोलूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ जैसे यही एक और एग्जाम्पल ले लेते चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये होता है कॉश एक्स तो साइन एक्स को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया कॉश एक्स तो इसका मतलब जब कॉश एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको साइन एक्स ठीक है तो ये तो आपको समझ में आ गया अब मान लीजिए थोड़ा टेक्निकली अगर बात करें तो अगर ये डी अपॉन डी एक्स को मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करूँ ठीक है कैपिटल डी साइन एक्स और ये किसके बराबर है कॉस एक्स वेयर कैपिटल डी इज इक्वस टू डी अपॉन डी एक्स ठीक है तो हम बोल सकते हैं डी ऑफ साइन एक्स क्या है कॉस एक्स तो हम क्या बोलेंगे साइन एक्स इज इक्व टू किसके बराबर होगा वन बाई डी कॉस एक्स ठीक है तो इस वन बाई डी को हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल कॉसिक्स समझ तो में आया ये जो सिंबल है ये बेसिकली जो आप अल्फ़ाबेट लिखते हैं एस एस तो इसको आप थोड़ा इलांगेट कर देते हैं और ये सांप जैसा देखने लगता है इस तरीके से ठीक है तो इलांगेटेड एस है ये तो इस, इसी इसी साइन को हम क्या बोलते हैं इंटीग्रल ये क्या है इंटीग्रल और इस कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस होता है एंड प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेज ठीक है तो इतना समझना है आपको अब देखिए जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन में कई सारे फार्मूलेस पढ़े थे ऐसे इसमें भी डायरेक्टली फार्मूले हैं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं मतलब जो भी फंक्शन दिया होगा उसको इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास डायरेक्टली रेडीमेड फार्मूले हैं तो अभी मैं थोड़ी देर में वो आपको फार्मूलैज़ लिखवाऊंगा उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है तो आप बोलेंगे टू एक्स ऐसे अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस टू का डिफ्रेंशिएशन क्या है तो आप फिर से क्या बोलेंगे टू का तो जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का टू एक्स तो इसका भी टू एक्स ऐसे ही बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन का तो टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर का इसका भी टू एक्स तो मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है यहाँ पर इनफैक्ट अगर ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट तो इसका क्या होगा टू एक्स क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो टू एक्स हो जाएगा कॉन्स्टेंट का ज़ीरो हो जाएगा तो मतलब इन सब का क्या आएगा इंटीग्रेशन टू एक्स तो देखिए मैंने ये बोला कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो टू एक्स आता है मतलब आप क्वेश्चन अगर आपको डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन दिया तो आंसर टू एक्स मिला आपको लेकिन अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि आंसर किस क्वेश्चन किस किस चीज़ किस क्वेश्चन का आंसर है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है मतलब टू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर तो अब देखिए टू एक्स का इंटीग्रेशन करने पर आंसर कुछ भी हो सकता है ये 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 भी हो सकता है क्योंकि इन सब का डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें टू एक्स ही मिल रहा है तो अगर पूछे टू एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो फिर क्या मिलेगा ये मिलेगा कि ये मिलेगा कि ये मिलेगा कि ये मिलेगा अब कन्फ्यूजन हो गया बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने पर टू एक्स आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएट करने करने पर भी यही आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टू का भी करने पर ही आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस फोर का भी करने पर ही आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्सटेंट का भी करने पर ही आ रहा है तो फिर आंसर में हम क्या लिखें फिर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं तो इसलिए हम इन जनरल लिखते हैं आंसर और हम बोलते हैं कि इस टू एक्स का इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट और इसको हम बार बार कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी ठीक है ये सी ए कॉन्स्टेंट है समझ में आया तो जब भी हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो आ, हमेशा लास्ट में आंसर में क्या करेंगे प्लस सी जरूर ऐड करेंगे मतलब इंटीग्रेट कर देंगे और फिर बाद में प्लस सी ऐड करेंगे ठीक है यहाँ तक समझ में आया तो मैं डायरेक्टली फार्मूलेज कुछ लिख रहा हूँ कैसे इंटीग्रेट करते हैं उन, उन चीज़ों को वो मैं सिखाऊंगा और फिर थोड़े बहुत एक दो कॉन्सेप्ट और सीखेंगे तो चलिए देखते हैं तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है अगर कोई कांस्टेंट है मान लीजिए कांस्टेंट है डी मतलब कोई भी इन जनरल मैंने एक कांस्टेंट उसको डी नाम दे दिया आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपना नाम भी दे सकते हैं वो कांस्टेंट चीज़ है कोई तो इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं अब देखिए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जैसे Uh, मतलब आप जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ठीक है एफ एक्स मतलब कोई भी फंक्शन और उसका इंटीग्रेशन करना है तो जैसे डिफरेंशिएशन करते थे आप तो आप क्या करते थे डिनोमिनेटर में जिसके रेस्पेक्ट में करना होता था वो लिखते थे जैसे ये लिखा है डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स तो आपको ये देख के समझ में आता था कि हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखा होता था उसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते थे सॉरी डिफ्रेंशिएट करते थे तो ऐसे इंटीग्रेशन में भी क्या होगा पहले तो फंक्शन लिखा होगा जिसको हमें इंटीग्रेट करना है ये जिसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं ठीक है थीके? और किसके रेस्पेक्ट में करना है वो आगे लिखा होगा डी एक्स ऐसे ठीक है किसके रेस्पेक्ट में करना है एक्स के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन में डी एक्स डिनोमिनेटर में होता था और इंटीग्रेशन में डी एक्स मतलब मल्टीप्लीकेशन में होता है ठीक है यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इधर मैं बस क्या लिख इधर मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स और इधर लिख रहा हूँ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ठीक है समझ में आए तो इधर लिख रहा हूँ एफ एक्स उधर लिख रहा हूँ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स तो ये नोटेशन आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसका क्या मतलब है ना तो अब देखिए कॉन्स्टेंट अगर लिखा हुआ है तो उसका होता है डी टाइम्स एक्स प्लस सी ठीक है सी क्यों ऐड किया मैंने क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि एक जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट जरूर ऐड करेंगे तो कांस्टेंट तो उसके लिए आया और डी का इंटीग्रेशन क्या होगा डी एक्स अब अब आप चेक कर सकते हैं ये आंसर सही है या नहीं क्योंकि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन क्या होता है रिवर्स प्रोसेस होता है डिफ्रेंशिएशन का तो अगर आपने इसको इंटीग्रेट करके ये मिला तो इसको डिफ्रेंशिएट करके ये मिलना चाहिए तो आप डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं सी का कितना हो जाएगा जीरो और डी एक्स का कितना होगा डी तो देखिए ये आ रहा है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये मिलेगा और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये मिलेगा रिवर्स प्रोसेस ठीक है ये पहला इंटीग्रेशन है जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है एग्जाम्पल इंटीग्रल डीएक्स लिखा हुआ है सिर्फ ठीक है दोबारा से लिखता हूँ मैं तो क्या होगा अब देखिए अब आप सोचेंगे यहाँ एफ एक्स तो लिखा ही नहीं देखिए लिखा हुआ है यहाँ एक वन दिख रहा होगा आपको तो वो वन ही है एफ एक्स तो वन एक कांस्टेंट होता है तो हम क्या लिखेंगे सिर्फ वन इंटू एक्स प्लस सी तो इसका इंटीग्रल डीएक्स क्या आ जाएगा एक्स प्लस सी ठीक है ऐसे अगर इंटीग्रल टू डी एक्स लिखा है तो टू एक्स प्लस सी आ जाएगा ठीक है समझ में आया अब दूसरा देखेंगे एक्स की पावर एन एक्स जो है वेरिएबल है और एन कॉन्स्टेंट है ठीक है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है तो जैसे याद करिए डिफ्रेंशिएशन में हम क्या करते थे एक पावर मत कम करते थे और वो पावर से मल्टीप्लाई करते थे इसमें दोनों रिवर्स होगा इसमें कम करने के बजाय हम बढ़ाएंगे पावर को और मल्टीप्लाई करने की जगह डिवाइड करेंगे प्लस सी ठीक है एक पावर बढ़ती है और उसी पावर से हम डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में क्या होता था एक पावर वो पावर सेम आगे आ जाती थी और एक पावर कम करते थे ठीक है और यहाँ रिवर्स होता है तो अब देखिए अगर आप चाहें तो इसको इंटीग्रेट करेंगे सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस आपको एक्स की पावर एन मिल जाएगा आप चेक भी कर सकते हैं अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे देखिए तो क्या आएगा एन प्लस वन आगे आ जाएगा एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल हो गया और एक पावर कम होगी तो क्या आया एक्स की पावर एन और सी का जीरो तो देखिए एक्स की पावर एन ही आया ठीक है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते तो अब देखिए एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ मैं जैसे अगर लिखा हुआ है इंटीग्रल एक्स डी एक्स तो ठीक है एक्स की पावर कितनी है इसमें वन तो आप क्या लिखेंगे एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस सी तो कितना आया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी थी. ठीक है समझ में आया ऐसे ही अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रल लक्स स्क्वायर डी एक्स तो क्या लिखेंगे एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस सी सॉरी टू प्लस वन तो कितना आ जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री प्लस सी ठीक है तो ये दूसरा फॉर्मूला था तीसरा फार्मूला है अगर e की पावर x लिखा हुआ है तो याद करिए डिफरेंशिएशन जब हम सीखे थे तो वो मैंने बताया था कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है तो अगर उसको डिफ्रेंशिएट करके वही मिल रहा है तो उसको वापस से इंटीग्रेट करेंगे तो वही मिलेगा तो e ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही होता है ई e की पावर एक्स प्लस सी ठीक है प्लस सी तो हम हमेशा ही ऐड करेंगे फार्मूला ये है ठीक है अब देखिए आप ऐसा मत सोचिएगा इस एक्स को तो हमने इंटीग्रेट कर दिया इस डी एक्स का क्या हुआ ऐसा कभी कभी बच्चे बेवकूफ़ वाला सवाल पूछते हैं तो इस डी एक्स का क्या मतलब हुआ ये बस क्या बता रहा है आपको एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है आपको ठीक है बस इतना सही मतलब है और इसका कोई मतलब नहीं है एक्स का इंटीग्रेशन ये हो गया और डी एक्स का क्या मतलब है ये एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया बस हमने ठीक है बस इतना ही मतलब है देखिए ये थर्ड फार्मूला था देखिए मैं बहुत सेलेक्टेड फार्मूला बताऊंगा क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है मैथ्स वाले बच्चे इसको एक आध महीना पढ़ते हैं लिटरली तो हम बस फिजिक्स में जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ेंगे है ना मैं बहुत लिमिटेड पढ़ाऊँगा इसमें आपको और उतना ही अगर आप सीख जाएंगे तो उससे आपका पूरा काम हो जाएगा ठीक है अब देखिए इंटीग्रल साइन एक्स डीएक्स क्या होता है सॉरी ये मत लिखिए बस ऐसे लिखिए साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इधर लिख रखा है तो साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी ठीक है फिफ्थ कॉस एक्स का क्या होता है ये होता है साइन एक्स प्लस सी ठीक है इस तरीके से अब देखिए और फॉर्मूले में लिख रहा हूँ जैसे सिक्स जो है सेक स्क्वायर एक्स इसका होता है टेन एक्स प्लस सी ठीक है सेवन माइनस को स्क्वायर एक्स का होता है या फिर cos x स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी ठीक है अब देखिए इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं आई थिंक इतने ही सफिशियंट है एक लास्ट और देख लेते हैं अगर वन बाई एक्स लिखा हुआ है अब देखिए अब, अब वन बाई एक्स को आप ऐसे एक्स की पावर माइनस वन लगा के आप एक्स की पावर एन का फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि याद करिए मैंने एक्स की पावर एक्स की पावर एन के लिए मैंने क्या बताया एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो अगर यहाँ वन अपॉन एक्स को आप ऐसे लिख लें एक्स की पावर माइनस वन तो फिर एक्स की पावर माइनस वन जब आप लिखेंगे तो माइनस वन प्लस वन आ जाएगा डिनोमेटर में तो वो ज़ीरो हो जाएगा और ये इन्फानैट को टेंड करेगा तो इसलिए वन बाई एक्स जब होगा तब हम ये रिजल्ट नहीं लगाएंगे ठीक है क्योंकि नॉट डिफाइंड हो रहा है ऐसा आप यहाँ लिख सकते हैं एन इज़ नॉट इक्व टू वन ठीक है तो देखिए तो वन बाई एक्स के लिए इसलिए डिफरेंट फॉर्मूला हमने बनाया ये होता है एल एन एक्स प्लस सी ठीक है तो याद करिए एल एन एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो आंसर क्या आता था वन बाई एक्स तो अभी वन बाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा एल एन एक्स प्लस सी ठीक है अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया फर्स्ट सवाल लेट्स से इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इसका इंटीग्रेशन करना है मान लीजिए देखिए कैसे करेंगे देखो तीन टर्म अभी ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब हम बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल डी एक्स ठीक है एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन ठीक है डीएक्स का कुछ नहीं होगा डीएक्स बस ये बता रहा है कि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो ये खत्म हो गया अब देखिए ये टू कॉन्स्टेंट है याद करिए डिफ्रेंशिएशन में जब कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई होता था कुछ फंक्शन के साथ तो हम उस कॉन्स्टेंट को बाहर रख देते थे तो सेम काम यहाँ पर भी करेंगे <coughs> तो यहाँ क्या होगा टू टाइम इंटीग्रल एक्स डी एक्स और एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है अभी देखेंगे उसको इंटीग्रल डीएक्स को आप क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल डीएक्स क्या होता है एक कांस्टेंट है देखिए वन इंटू डी लिखा हुआ तो है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया एक्स होता है सिर्फ ठीक है अब देखिए एक कांस्टेंट इधर आएगा एक कांस्टेंट इधर आएगा एक कांस्टेंट इधर आएगा, आएगा तो तीन बार कांस्टेंट नहीं लिखेंगे सी प्लस सी प्लस सी इज़ ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट तो बस लास्ट में एक सी एड कर देंगे ठीक है अब देखिए क्या आया आया आंसर एक्स क्यूब बाई थ्री इसका क्या होगा वन प्लस वन अपॉन ठीक है इंटीग्रल एक्स डी एक्स क्या होता है एक्स पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन तो एक्स की पावर टू बाय टू ठीक है तो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा प्लस एक्स प्लस सी तो फाइनली आंसर क्या आया एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी ठीक है और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन बाई एक्स ठीक है इसका इंटीग्रेशन करना तो क्या होगा देखिए साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स अभी देखो अभी ये सीधा फार्मूले है ना तो आपको डायरेक्टली फार्मूले याद होंगे तो आप डायरेक्टली लिख पाएंगे आंसर को साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स और वन बाई एक्स का एल एन एक्स प्लस सी खत्म ठीक है तो इस तरीके के फॉर्मूले पे सवाल और कराने का मतलब नहीं है इसलिए एक और देख लेते जैसे मान लीजिए इंटीग्रल वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स करना है ठीक है तो देखिए इसको कैसे करेंगे इंटीग्रल वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स करना है तो फिर क्या होगा इसको आप लिखेंगे इंटीग्रल एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स और तो एक्स की पावर माइनस टू का क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन पॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी तो ये कितना आ गया देखिए माइनस टू प्लस वन होगा माइनस वन और ये भी माइनस वन तो माइन एक्स की पावर माइनस वन नीचे आ जाएगा तो क्या होगा माइनस वन बाई एक्स प्लस सी ठीक है तो आई थिंक इतने इलस्ट्रेशन काफ़ी है अब देखिए अभी कुछ और हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जैसे अभी तक मैंने आपको जो जो फार्मूले लिखा है आप अगर इसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे सारे फार्मूलों को तो आप देखेंगे सब में आर्ग्यूमेंट जो है सब का साइन का या कॉस का या ई की पावर एक्स या वन बाई एक्स ठीक है या फिर एक्स की पावर एन इस सब में जो है मतलब एक्स का जो एक्स uh, जो है वो लीनियर लिखा हुआ है ना इन सब की जगह अगर ऐसा भी आ, मतलब सॉरी अगर एक्स की जगह अगर मान लीजिए आपको लीनियर फंक्शन लिखा मिले ए एक्स प्लस बी देखिए एक्स एक लीनियर है ना अब लीनियर फॉर्मेट जरूरी नहीं है सिर्फ एक्स ही लगाओ वो इस फॉर्मेट का भी हो सकता है ए एक्स प्लस बी मतलब साइन एक्स की जगह हो सकता है आपको कैसे दे दे साइन ऑफ़ ए एक्स प्लस बी अब देखिए ये ए और बी कॉन्स्टेंट है ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है हो सकता है ए वन हो जाए बी जीरो हो जाए ए वन हो गया और बी जीरो हो गया तो एक्स बन गया हो सकता है ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाए माइनस एक्स हो जाए मान लीजिए ऐसा लिख दिया साइन ऑफ वन माइनस एक्स तो आप सोचेंगे कि सर ये ऐसा कैसे लिखा हुआ है तो देखिए लिखा हुआ value, one, value, है ए की वैल्यू माइनस वन और बी की वैल्यू वन है कि नहीं मतलब बेसिकली आपको देखना है एक्स की ए की पावर होनी चाहिए बस तो वो लीनियर फॉर्मेट हो जाएगा तो ऐसा एक्स की जगह लीनियर फॉर्मेट भी लिखा मिल सकता है आपको मतलब साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी ठीक है ई की पावर ए एक्स प्लस बी या फिर वन अपॉन ए एक्स प्लस बी ठीक है तो जब भी ऐसा लिखा होगा तो आप क्या करेंगे जैसे आप इंटीग्रेट करते वैसे नॉर्मली इंटीग्रेट करिए बस बाद में लास्ट में हम क्या करेंगे एक्स का जो कोफिशेंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे बस ठीक है बस इतना याद रखना है आपको तो मैं लिख दे रहा हूं क्या करना है टू इंटीग्रेट अबव मैंशन फंक्शन इंटीग्रेट देम एज द फॉर्मूलाज एंड एट लास्ट डिवाइड योर आंसर बाय द कोफिशियंट ऑफ एक्स ठीक है समझ में आया तो ये रूल फॉलो करना है जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ बता रहा हूं जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है साइन ऑफ टू एक्स प्लस थ्री ठीक है इंटीग्रल डी तो इसको क्या लिखेंगे देखिए साइन एक्स का तो आप जानते हैं अब ये एक्स तो है लेकिन लीनियर फॉर्मेट में लिखा लिख दिया इसको तो अब आप साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का जैसा आप साइन एक्स का फार्मूला यूज़ करते थे सेम फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे तो साइन एक्स का फार्मूला क्या है माइनस कॉस एक्स तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे माइनस ऑफ कॉस एक्स की जगह टू एक्स प्लस थ्री ठीक है और जो एक्स का कोफ़िशेंट था क्या है टू उससे डिवाइड कर दीजिए प्लस सी बस ख़त्म यही आंसर ठीक है ऐसे ही अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रल वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री तो आप जानते हैं कि एक्स का कोफिशेंट मतलब वन अपॉन एक्स का होता है एल एन एक्स ठीक है तो ये भी वन अपॉन एक्स के फॉर्मेट में लेकिन लीनियर फॉर्मेट में लिख दिया तो वन अपॉन देखिए लीनियर आप समझते हैं ए एक्स प्लस बी तो एक्स वन अपॉन एक्स लिखा है तो उसमें ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू जीरो है, है ना तो उसका एल एन एक्स आता है तो सेम इसका भी एल एन एक्स आएगा लेकिन की जगह क्या लिखेंगे एल एन ऑफ टू एक्स प्लस थ्री लिखेंगे और लास्ट में क्या करेंगे x के कोपिशन से डिवाइड करेंगे प्लस सी थी, आंसर ठीक है जैसे एक इलस्ट्रेशन और सपोज ऐसा दे दिया आपको इंटीग्रल e की पावर थ्री माइनस एक्स डी एक्स ठीक है तो e की पावर x की तरह ही लिखा हुआ है ये तो उसका क्या होता है e की पावर x तो इसका क्या होगा e की पावर थ्री माइनस एक्स ही रहेगा लेकिन एक्स के कोपिशियन से डिवाइड करेंगे एक्स के कोपिशियंट क्या माइनस वन तो माइनस वन मतलब ऐसे प्लस सी थी। ठीक है समझ में आ गया अब देखिए तो अब आगे प्रोसीड करते हैं तो अब देखिए अभी तक जितने अभी तक जितने हमने इंटीग्रेशन पढ़े अभी तक जितना इंटीग्रेशन पढ़ा ये सारा एक कैटेगरी में आता है जिसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ठीक है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब उसका जो आंसर आएगा वो मतलब एक कोई डेफिनेट क्वांटिटी नहीं आएगी तो आप देख रहे हैं आपने जितने भी अभी तक आंसर लिखे हैं उसमें सब में आप एक कांस्टेंट ऐड करते थे तो कांस्टेंट ऐड हो गया इसका मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ रही है मतलब सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है कॉन्स्टेंट की वो हमें क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन उससे हम निकालेंगे लेकिन हम इतना तो श्योरली बोल सकते हैं कि ये जो आंसर्स हैं ये सारे के सारे इनडेफिनेट वैल्यू कैरी कर रहे हैं क्योंकि कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं है उसमें है कुछ भी हो सकता है वो रेंडमली तो अभी तक जितने इंटीग्रेशन हमने पढ़े उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ठीक है लेकिन कुछ इसके बारे में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन नॉट फिक्स्ड That is have a constant added to them मतलब हमेशा आंसर प्लस सी होगा ठीक है इस तरीके का आंसर आएगा आपके पास तो ये इस तरीके के इंटीग्रेशन जो अभी तक हमने पढ़े इसको क्या बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एक डिफरेंट टाइप का इंटीग्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन ठीक है डेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है उसमें कांस्टेंट कभी नहीं आएगा मतलब उसमें फिक्स्ड आंसर आता है इंटीग्रेशन हैविंग फिक्स्ड आंसर फिक्स न्यूमेरिकल आंसर्स, ठीक है मतलब फिक्स्ड आंसर्स आएंगे उसमें कोई कांस्टेंट ऐड नहीं होगा मतलब आंसर प्लस सी नहीं लिखेंगे ये जो है इस तरीके का नहीं करेंगे हम ठीक है हम सिर्फ आंसर करेंगे मतलब जो अब मैंने अभी तक जितना बताया कि प्लस सी जोड़ते हैं तो प्लस सी नहीं जोड़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में ठीक है अब देखिए सिर्फ प्लस सी हम किस में जोड़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं जोड़ेंगे अब आपके मन में सवाल आएगा कि हमको कैसे पता चलेगा सर कि ये इनडेफिनेट है कि डेफिनेट है तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है ये जो इंटीग्रल का जो साइन होता है इस इंटीग्रल के साइंस पे लिमिट लगी रहती है ऐसे अब मान लीजिए यहां पर ए लिख दे रहा हूं मैं और यहां बी लिख दे रहा हूँ तो इस तरीके से लोअर से हाइयर तक कुछ लिखा रहेगा है ना तो जो नीचे लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट ये मैंने ए और बी इन जनरल लिख दिया कुछ भी हो सकता है ना इसको लिखेंगे लोअर लिमिट और बी को हम बोलेंगे अपर लिमिट ठीक है तो इस तरीके से अगर कहीं लिखा है ऐसे लिमिट्स लगी हुई हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा इंटीग्रेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन तो इसके आंसर में हम प्लस सी ऐड नहीं करेंगे अब देखिए इन लिमिट्स को हम सॉल्व कैसे कर करते हैं मान लीजिए एफ एक्स डी एक्स ए से बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए से बी तक वैरी कर रही है बस यही मतलब है इसका वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी ठीक है बस यही मतलब है तो देखिए अगर वैल्यू ऑफ एक्स ए से बी तक vary कर रही है तो फिर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ कहीं पे और एक्स की वैल्यू लेट से वन से लेकर टू तक वैरी कर रही है ठीक है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए आपको फार्मूला तो पता ही एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी मैंने अभी अभी सीखा हमने एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन ठीक है अब क्या करिए अब देखिए इस लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से सीखे है ना आप क्या करिए इसको पूरे को बिग ब्रैकेट में बंद करिए नीचे लिखिए वन ऊपर लिखिए टू फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब फंक्शन ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट ये आंसर हो जाएगा अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ आपको जैसे इंटीग्रल क्या आया एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन सॉरी मैंने क्या एग्जांपल दिया था हाँ तो एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन सॉरी इंटीग्रेट का साइना हट जाएगा क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया ठीक है और ये बिग ब्रैकेट में और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है वन से लेकर टू तक अब देखिए मैंने बताया फंक्शन ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट मतलब क्या आप एक्स जिसके रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट किया है जो डी के बगल में लिखा हुआ था तो आंसर में वो एक्स जितनी जगह आए सब जगह टू रख दीजिए मतलब अपर लिमिट रखिए तो फंक्शन ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ़ लोअर लिमिट ठीक है तो फंक्शन ऑफ अपर लिमिट क्या होगा एक्स जिसके रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया डी के बगल में जो लिखा था वो उसके रेस्पेक्ट में हम करते हैं तो आंसर में जितनी जगह वो आई डी के बगल में जो लिखा था जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे आंसर तो में जितनी जगह x आए सब जगह टू रखिए तो टू की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन माइनस फिर लोअर लिमिट रखिए वन की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन बस आंसर अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अब देखिए कितना आ जाएगा टू प्लस वन कॉमन आ जाएगा मतलब थ्री थ्री कॉमन आ जाएगा और टू की पावर टू प्लस वन कितना टू की पावर थ्री मतलब एट माइनस वन की पावर कुछ भी हो तो वन ही आएगा तो आंसर कितना आया सेवन बाई थ्री तो देखिए इसका आंसर फिक्स्ड आंसर आया कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कोई भी प्लस सी हमने नहीं ऐड किया ठीक है मैं आपको एक और इलस्ट्रेशन देता हूँ जैसे मान लीजिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको जीरो से लेके एट से नाइन्टी डिग्री तक ठीक है तो साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स फिर आप क्या करिए इसको बिग ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और लोअर जगह पे लोअर लिमिट रखिए ऊपर नाइन्टी डिग्री रखिए अब क्या करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो एक्स जितनी जगह आया सब जगह नाइन्टी रखिए अपर लिमिट रखिए पहले माइनस फिर लोअर लिमिट रखिए बस वही आंसर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक है तो माइनस ऑफ कॉस नाइन्टी ये अपर लिमिट हो गई माइनस माइनस ऑफ लोअर लिमिट कॉस ज़ीरो ठीक है पूरा फंक्शन में हम मतलब पूरा फंक्शन को अपर लिमिट बोलेंगे फिर पूरे फंक्शन को लोअर लिमिट बोलेंगे ठीक तो है तो देखिए माइनस कॉस नाइन्टी ये ज़ीरो हो जाएगा कॉस नाइन्टी की वैल्यू जीरो होती है और कॉस ज़ीरो कितना होता है वन तो माइनस वन और माइनस माइनस प्लस तो कितना आंसर आया प्लस वन समझ में आया तो इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं अब देखिए लास्ट चीज और बची है इसको हम बोलेंगे चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ एरियाज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन ठीक है कैलकुलेशन ऑफ एरियाज अंडर डेफिनेट इंटीग्रेशन अब देखिए जैसे आ, आपको कभी कभी क्या होगा जैसे मान लीजिए ये ग्राफ दिया है बाई एक्स ग्राफ तो अगर मान लीजिए इस तरीके से ग्राफ बनाया ये कॉन्सटेंटली टू टू यूनिट है और ये मान लीजिए यहाँ तक टेन यूनिट है ठीक है मान लीजिए बाई एक्स ग्राफ इस तरीके से आया स्ट्रेट लाइन आया और ये टू कोऑर्डिनेट रहा हमेशा और फिर ये टेन तो आप बोल देंगे कि एरिया कितना है सिंपली टेन इंटू टू ठीक है अगर एरिया ऐसा हो गया ट्राइंगल तो आप ये कैलकुलेट कर लेंगे कोऑर्डिनेट मान लीजिए कोऑर्डिनेट है टू और ये फिर से टेन है तो आप एरिया कैसे निकाल लेंगे टेन इंटू टू तो कोई भी नोन शेप है तब तो, तो आप कर लेंगे लेकिन अगर मान लीजिए अन शेप आ जाए ग्राफ ऐसा बनाए ठीक है और मान लीजिए ये क्वेश्चन है लेट uh, से कोई कोई भी फंक्शन है लेट से लेट से टू माइनस एक्स स्क्वायर है सपोज ठीक है तो देखिए अगर ये टू माइनस एक्स स्क्वायर है इस, uh, तो मैंने इन जनरल मान लिया ये टू माइनस एक्स स्क्वायर है तो अगर आपसे अभी पूछा जाए मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो ये जो रीजन है शेडेड रीजन इसका एरिया बताइए ये, ये वाई और ये एक्स ठीक है और ये आपको दिया हुआ है ये किसका ग्राफ है वाई इज इक्व टू टू माइनस एक्स स्क्वायर का इसका ग्राफ है ये मतलब इस इक्वेशन का ग्राफ है ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये मैंने आपको बताया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है तो उस तरीके का कुछ है मतलब ज़रूरी नहीं आपको क्वाड्रेटिक ही मिले कुछ भी फंक्शन दे सकता है ना कोई भी फंक्शन दे दिया और आपसे पूछा जाए कि ये शेडेड पोर्शन का एरिया बताइए तो आपको क्या होगा वो जो जिस जो ग्राफ जो जिसका आपने बनाया उसकी इक्वेशन दे रखी होगी सवाल में जैसे वाई इक्व टू साइन एक्स का दे रखा है तो साइन एक्स का कैसा होता है इस तरीके से होता है ठीक है तो आप क्या करेंगे सिंपली अगर मान लीजिए आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना तो आप कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन टू होगा इंटीग्रल बाई डी एक्स एक्स वन टू तो एक्स टू मान लीजिए एक्स वन है और ये एक्स टू मतलब ये जो फंक्शन है जिसका आपको ग्राफ दिया है ठीक है वो उसका इंटीग्रल करिए आप डीएक्स के रेस्पेक्ट में और एक्स वन टू तो एक्स टू मतलब इस सेडेड पोर्शन का एरिया अगर निकालना है तो आपको इस वैल्यू से मिलेगा ठीक है जैसे एक एग्जाम्पल देकर दिखाता हूं पहले तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आपको कैसे समझ में आएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इंटीग्रल वाई डी एक्स और लिमिट से अपर लिमिट तक आप देख लेंगे कहाँ से कहां तक, तक. तक, तक वेरी कर रहा है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे इस तरीके का ग्राफ है ठीक है और सपोज ये वैल्यू टू है और ये तो ऑरिजिन है ठीक है और ये वाई और ये एक्स तो फिर ये किसका ग्राफ हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स एक्स माइनस टू मान लीजिए ये इक्वेशन है इसको मैंने प्लॉट कर दिया है ना इस इक्वेशन का ये ग्राफ है अगर आपसे पूछा जाए कि ये शेडेड पोर्शन बताइए कितना होगा अब ये क्वालिटी का क्वेश्चन आपको देख पता चल रहा होगा तो तो क्वालिटी के क्वेश्चन का ग्राफ पैराबोला होता है तो मैंने ये ग्राफ बनाने सिखाए थे तो ये देखिए आप देख सकते हैं एक्स को टू रखेंगे तो ये वाई जीरो हो रहा है तो देखिए टू पे वाई जीरो है एक्स को जीरो रखेंगे तो ज़ीरो तो ज़ीरो और टू इसके रूट्स हैं खैर हमें वो पढ़ने का मतलब नहीं है तो अभी मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे तो अब देखिए बिल्कुल सिंपल आप ये फार्मूला यूज़ कर दीजिए इंटीग्रल माइनस ऑफ माइनस पंद्रह ले लेते हैं तो एक्स इंटू टू माइनस एक्स हो जाएगा डी एक्स और लिमिट्स कहां से कहां तक जीरो से टू ठीक है तो ये शेर पोर्शन का एरिया मिल जाएगा आपको तो कितना हो जाएगा देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं जीरो टू टू और टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ये तो इसका इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स का हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू टू और टू कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई थ्री लिमिट्स पुट करेंगे जीरो से टू तो अपर लिमिट पहले टू रखेंगे सब जगह मतलब टू स्क्वायर माइनस टू क्यूब बाई थ्री माइनस लोअर लिमिट तो लोअर लिमिट जीरो है, तो हर जगह जीरो आएगा तो वो जीरो ही हो जाएगा तो फाइनल आंसर कितना हुआ फोर माइनस एट बाई थ्री मतलब फोर बाई थ्री समझ में आया मतलब ये एरिया कितना होगा फोर बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स ठीक है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो अभी मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट लेक्चर मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का भेजूंगा तो आप इसके नोट्स अच्छे से बनाइएगा प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर होगा उसमें ये सारे के सारे चैप्टर यूज़ होंगे जितने हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़े हैं और वैक्टर भी यूज़ होगा तो आप प्लीज़ अपने नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा आगे के लेक्चर आपको तभी समझ में आएंगे जब आप ये लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच